नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। रूस और यूक्रेन के युद्ध में शिकार भारतीय भी हो रहे हैं और उन्हीं भारतीयों की रक्षा हमारे प्रधानमंत्री देश से ही कर रहे हैं। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपने देशवासियों को सुसुरक्षित घर वापस लाया जा सके। इस बीच यूक्रेन में मौजूद कुछ भारतीय छात्रों पर हमलों की भी खबर आई थी जिसमें उन्हें चोट पहुंचने की बात हुई है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता से काम कर रहे हैं और साफ कह दिया है कि भारत से 4 मंत्री देश से रवाना होंगे। दरअसल यूक्रेन से कुछ दिनों पहले वहां फंसे छात्रों का एक समूह देश लौट पाया था, जिसके बाद उन छात्रों ने तहे दिल से मोदी का शुक्रिया अदा किया और वहां मौजूदा हालात की व्याख्या भी की। वहां की परिस्थिति अभी काबू में बिल्कुल नहीं है, जहां के लोगों की जिंदगियां खतरे में है, इसीलिए जिसे जैसे सहायता मिल रही है वो उस ओर निकल जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में कई अलग अलग देशों के छात्र पढ़ने के लिए रह रहे थे, जिसमें से भारत के भी छात्र और कुछ भारतीय परिवार थे, जिनकी एक गुहार पर उनकी परेशानी खत्म करने के लिए और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है और निर्णय लिया है कि देश के 4 जिम्मेदार मंत्री यूक्रेन के आसपास के देशों से वहां की कमान संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार इन 4 मंत्रियों को भारत का विशेष दूत बनाकर भेजा जा रहा है। इन 4 मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान भारत में पीएम मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालना देश की पहली प्राथमिकता है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 5वां दिन है। फिलहाल युद्ध जारी है और रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपना कब्जा बनाना चाहता है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को अभी सफलता नहीं मिल पाई है, जबकि सोमवार यानी कि आज भी वहां बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। वहीं यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का कार्य जिस ऑपरेशन के तहत चल रहा है उसे गंगा नाम दिया गया है, जहां 6 फ्लाइट भारत में छात्रों को लेकर लौट चुकी है। इसमें करीब 240 भारतीय मौजूद थे। भारत आकर एक छात्र ने कहा, हम वापस आ गए हैं तो हमें बहुत खुशी है। यूक्रेन में हमारे लिए स्थिति बहुत कठिन थी, हम आशाहीन हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कारण ये मुमकिन हो पाया है और हम अपने देश सुरक्षित लौट पाए हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।